नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में कहा है कि जो भी निर्माण एजेंसी किसी प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने में ढील बरतती है तो उसे पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने ऐसे अधिकारियों की भी कड़ी चेतावनी दी है कि प्रोजेक्ट में आड़े आने वाली समस्याओं को निपटाने में लापरवाही का रवैया रखते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की ओर से विश्वास दिलाया है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली यमुना ब्रिज और फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा रोड पर बन रहा जिसके बनने में देरी का कारण पूछा तो उनको बताया गया कि समय समय पर नेशनल ग्रीनरी ट्रिब्यूनल जिनके द्वारा निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के कारण कार्य पूरा करने में अड़चन आई है। बैठक में यह भी बताया गया है कि चेड़ाव मोड़ से कैथल तक कंजपुरा करनाल कैथल और कनौली रोड को 2 लेन में और 4 लेन के तौर पर जोड़ा जाएगा जिसका 21 मार्च 2021 तक कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार करनाल मेरठ रोड को 6 लेन तथा 4 लेन के तौर पर चौड़ा किया जाएगा जिसमें रास्ते में पड़ने वाले पुलों का निर्माण पुनर्निर्माण भी किया जाना है। उप मुख्यमंत्री ने खड़ग से भिवानी तक 4 लेन जोड़ तथा रोहतक से चरखी दादरी तक रोड को जोड़ने वाले भिवानी बाईपास का निर्माण हो रही देरी में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इसे पूरा करवाया जाए। इसी प्रकार 4 लेन पिंजौर बाईपास के निर्माण करनाल क्षेत्र में गवर्नेंस मेडिकल कॉलेज कोरियावास का निर्माण तथा डॉक्टर वीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पानीपत सोनीपत के प्रोजेक्ट में निर्धारित अवधि में काफ़ी ज़्यादा समय लेने पर उन्होंने निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी है कि अगर इस बार निश्चित की गई अवधि पर कार्य पूरा नहीं किया गया तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत वाले करीबन 1 दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के बाद कहा कि कोरोना महामारी के कारण काम में देरी का बहाना नहीं चलेगा। परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं इसलिए अभी सरकारी तथा निर्माण एजेंसी कार्य में जुट जाएं ताकि प्रदेश के लोगों को इन प्रोजेक्टों का लाभ मिल सके। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।